हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बारबी डॉल के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी न्यू ईयर ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। सो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को मेरी क्रिसमस डेकोरेशन दिखाई थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को मेरी ये डॉल की ड्रेस दिखाई थी जिसे मैंने एज अ सेंटा लुक दिया था। तो ये डॉल बहुत ही ब्यूटीफुल है तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल ही बना दूं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी को न्यू ईयर के लिए एक बहुत ही सुंदर सी डॉल की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये ड्रेस मैंने टू कलर्स में बनाई है, रेड एंड वाइट जो क्रिसमस के मेन कलर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने मेरे डॉल की एक इस तरीके की कैप भी बनाई हुई है, ये बहुत सुंदर लुक दे रही है। तो चलिए अपनी डॉल की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें हमारी डॉल की ड्रेस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए एंड इसकी ड्रेस को बनाने की प्रोसेस क्या है। तो डॉल की ड्रेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कलर्ड पेपर। सो हम इसे टू कलर्स के कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं, येलो एंड पर्पल। आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। देन वी नीड मल्टी कलर पॉम पॉम्स, देन वी नीड स्टोन लेस, हाफ कट पर्ल्स, देन वी नीड ग्रीन कलर बॉल चेन, देन हमें चाहिए सेलो टेप। पेस्टिंग वर्क के लिए हम यूज़ करें फेविकॉल, आप चाहें तो ग्लूगन या फिर फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वी नीड सीजर फॉर कटिंग। तो यहाँ पर मैंने अपने येलो पेपर को इस तरीके से कट कर लिया है, तो मैंने इसे लॉन्ग स्कर्ट बनाने के लिए कट किया है। तो आप इसे जितना लंबा रखना चाहते हैं आप उसे उतना लंबा कट कर सकते हैं। तो हमने अपने येलो पेपर के अकॉर्डिंग ही इस तरीके की एक पर्पल स्ट्रिप कट कर लिया है जो अब हम ग्लू के हेल्प से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप जितना चौड़ा लेना चाहें इसे ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये लॉन्ग स्कर्ट अपनी डॉल को कैसे पहनाना है। तो आपको इसे इस तरीके से यहाँ पर पीछे की तरफ पुश करना है इस हिस्से को, और यहाँ से आपको इसे इस तरीके से मोड़ना है कि इसके इस हिस्से पर ये कम्प्लीटली फिट आ जाए। और उसके बाद हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट करना है। तो हमने हमारी डॉल का इस तरीके का लॉन्ग स्कर्ट बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो अब हम हमारी डॉल का टॉप तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरीके की एक स्ट्रिप कट कर ली है और हमने यहाँ पर पर्पल चार्ट पेपर की हेल्प से भी एक स्ट्रिप कट कर ली है, और अब हम इसे ग्लू की हेल्प से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमें अपने डॉल को टॉप कैसे पहनाना है, हमने जो यहाँ पर ये तैयार किया हुआ था इसको हमें इस तरीके से इसे वेयर करवाना है। तो हमने जो हमारा टॉप बनाया था उसे हमने सेलो टेप की हेल्प से ज्वाइन किया है, और जो लॉन्ग स्कर्ट हमने बनाया था वो भी हमने सेलो टेप की हेल्प से ही ज्वाइन किया है। आप चाहें तो फेविकॉल की हेल्प से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बट सेलो टेप से भी ये बहुत इजीली ज्वाइन हो जाएगा। तो अब हमारी डॉल की स्लीव्स बनाने के लिए हमने इस तरीके की स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। तो हमें अपने फेविकॉल की हेल्प से इसे यहाँ से अप्लाई करना है और पीछे वाले पोर्शन से यहाँ पर स्टक कर देना है। इसी तरीके से सेकेंड वाली को भी अप्लाई करना है। तो ये हमारी पेपर ड्रेस बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कट पर्ल्स की लेयर दी है ग्रीन बॉल चेन की हेल्प से। तो अब मैं इन्हें अपनी डॉल के टॉप के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो मैंने क्रिसमस डेकोरेशन का वीडियो दिया था, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने अप्लाई कर लिया है। तो अपने हाफ कट पर्ल्स अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से स्टोन लेस लगा ली है। तो अब हम हमारी ड्रेस को डेकोरेट करेंगे मल्टी कलर के पॉम पॉम्स को यूज़ करके। तो मैं सबसे पहले इसके इस पोर्शन पर पॉम पॉम लगाऊंगी। इस तरीके से हमें लगाना है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक देगा। तो हमने इस तरीके से अपने पॉम पॉम्स लगा लिए हैं। तो अब मैं इसके इस हिस्से पर पॉम पॉम्स लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर अपना फेविकॉल अप्लाई करूँगी। आप अपनी डॉल की ड्रेस की डेकोरेशन बहुत सी चीज़ों का यूज़ करके कर सकते हैं। पेपर ड्रेस बनाने में तो बहुत इजी होती है और डेकोरेट भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्रिंटेड पेपर्स का भी यूज़ करके आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी सुंदर सी डॉल की ड्रेस बिल्कुल तैयार है। अब मैं बनाऊँगी हमारी डॉल की इसी ड्रेस की मैचिंग कैप। तो बारबी की सुंदर सी कैप बनाने के लिए हमने सबसे पहले इस तरीके का एक पर्पल पेपर की हेल्प से गोला कट किया, और उसके बीचों बीच भी हमने इस तरीके का एक सर्कल कट किया है जो उसके कम्प्लीटली फिट आ जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके की एक स्ट्रिप कट की है एंड अपने येलो पेपर की हेल्प से इस तरीके का एक सर्कल कट किया है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी स्ट्रिप है उस पर इस तरीके से ग्लू लगाना है और इसे यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट करना है। और अब इसके बाद जो इसका ये हिस्सा है यहाँ पर हमें इस तरीके से ग्लू लगाना है
और अपना ये येलो वाला सर्कल इसके ऊपर इस तरीके से एडजस्ट करना है। तो इस तरीके का कैप का बेस बिल्कुल तैयार है। तो अब हम हमारी कैप को डेकोरेट करेंगे पॉम्पॉम्स की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं कैप के सेंटर के हिस्से पर इस तरीके से एक पॉम्पॉम लगाऊंगी और उसके बाद उसका जो साइड का हिस्सा है यहाँ पर हमें अपने पॉम्पॉम्स को इस तरीके से इंसर्ट करना है। कैप की डेकोरेशन भी आप बहुत सी चीज़ों को यूज़ करके कर सकते हो। तो इस तरीके की हमारी सुंदर सी कैप बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारी इस तरीके की डॉल की सुंदर सी पेपर ड्रेस एंड पेपर कैप बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ इस यूज़फुल से क्राफ्ट आइडिया को ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले सारे क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।